दोस्तों लाइफ में एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम अपने गोल्स कैसे बनाएं, राइट? बड़े गोल्स बनाएं कि छोटे गोल्स बनाएं? अक्सर ये समझ में नहीं आता कि छोटे गोल्स बनाकर क्या बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, कि या फिर हमें बड़े गोल्स ही बनाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि लाइफ कैसे काम करती है, लाइफ में हमें गोल्स कैसे बनाने चाहिए। हाय, माय नेम इज अभिषेक, एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर ट्रेनिंग द पीपल फॉर बेटर लाइफ स्किल्स। इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्स। दोस्तों, इंग्लिश में यदि हम बात करें स्मार्ट गोल्स या फिर बिग गोल्स, स्मॉल गोल्स, ये सब आपने कहते हुए, बात करते हुए लोगों को जरूर सुना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि बड़े गोल्स तब तक आप अचीव नहीं कर सकते जब तक कि आप स्मॉल गोल्स अचीव ना कर लें। चलिए, मैं यदि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देकर के दिखाऊंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं दो तीन चीजों से आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लॉन्ग टर्म गोल है हमारा डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर बनने का एक जो गोल है वो उसमें शायद 5-7-10-15 साल लग सकते हैं। आपकी तैयारी 9th क्लास से शुरू हो जाती है, आप साइंस से पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, अब छोटे छोटे गोल्स क्या होते हैं कि मुझे मैथ में इतने नंबर लाने हैं, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में, जब हम 9th और 10th में पढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे गोल्स हैं, ये स्मॉल गोल्स हैं। अब इन गोल्स को अचीव करते हुए आप 11th में एडमिशन लेते हैं और फिर 12th तक जाते हैं। ये छोटे छोटे से गोल्स अचीव करते हैं तभी आप अपने बड़े गोल को अचीव कर पाते हैं। यदि सोचिए आप 9th क्लास में अच्छे नंबरों से पास ना हो, या फिर आपका हाई स्कूल के बाद स्कोर अच्छा ना हो, या फिर 12th क्लास पास करने के बाद आपका स्कोर अच्छा ना हो, तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। और यदि क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर आपका ऑफ कोर्स मेडिकल में एडमिशन ही नहीं होगा। यानी आपका लॉन्ग टर्म गोल तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक कि आप स्मॉल गोल्स को अचीव ना कर लें। ठीक ऐसे ही यदि पॉलिटिक्स में आप देखें तो आप सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको पहले छोटे छोटे चुनाव लड़ने पड़ेंगे और स्मॉल गोल्स को अचीव करना पड़ेगा, राइट? ठीक ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश में आपको स्मॉल गोल्स रखने पड़ेंगे कि आज मैं 5 वर्ड सीख लूंगा, या मैं इंग्लिश स्पीकिंग का एक स्ट्रक्चर सीख लूंगा और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लूंगा। धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको एक छोटे बिजनेस से शुरू करना पड़ेगा। यदि मैं अपनी ही जर्नी बताऊं तो मेरा दिन का गोल होता है कि क्या मैं एक वीडियो शूट कर सकता हूं। ये एक स्मॉल गोल है, उस वीडियो को शूट कर लेना, उसे एडिट कर लेना और उसे यूट्यूब पर डाल देना, ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है। ये शॉर्ट टर्म गोल धीरे 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 मुझे एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ले जाएगा और शायद मैं एक फेमस यूट्यूबर बन जाऊंगा। ठीक ऐसे ही बचपन से जब भी आप पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स 9th क्लास एक गोल है, 10th क्लास एक दूसरा गोल है, 11th क्लास एक तीसरा गोल है, फिर एक कॉम्पिटिशन थोड़ा बड़ा गोल है, फिर उसके बाद जॉब इंटरव्यूज, ऑफकोर्स सक्सेस इज ए लॉन्ग टर्म गोल। तो जब तक कि आप लाइफ में स्मॉल गोल्स को अचीव नहीं करेंगे, आप लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव नहीं कर सकते। सो क्या आप रेडी हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए? क्योंकि बिना शॉर्ट टर्म गोल बनाए आप लॉन्ग टर्म गोल को कभी अचीव ही नहीं कर सकते। छोटे छोटे गोल बनाइए, उन्हें दिन भर में अचीव कर लीजिए, राइट? यदि आप चाहते हैं कि मैथ की मुझे पूरी बुक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो एक चैप्टर ले लीजिए एक दिन में, 15 दिन में आपके 15 चैप्टर हो गए और आपका एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो गया। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, यदि मैं आपको हर चीज के बारे में डिटेल में समझाऊंगा तो ऑफ कोर्स आप भी शायद इसे अच्छे से समझ जाएंगे, बट आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया, आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे बच्चे यहां मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, आई हैव स्मॉल
गोल्स या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स कि आज मुझे ये पढ़ाना है, आज मुझे ये पढ़ाना है, बच्चों को पहले ये सिखाना है, फिर अगले स्टेप में मुझे उन्हें ये सिखाना है। तो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए स्टूडेंट्स बिकम कॉन्फिडेंट एज वेल एज फ्लुएंट। तो ठीक इसी तरीके से जब आप YouTube पर मेरा एक वीडियो देखते हैं, यू अचीव वन स्मॉल गोल और धीरे धीरे आपका स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। यू विल बिकम ब्रिलियंट एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर लाइफ स्किल्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, बिकॉज दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, जहां हम लोगों को एजुकेट करते हों और एक दूसरे को हेल्प करते हों। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।